दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई जॉब प्रोफाइल के साथ। इस प्रोफाइल में आपको डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। अगर आप 10th या 12th पास हो फिर भी इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, जिस पोजीशन की आज हम बात करने वाले हैं वो है प्लम्बर। जी हाँ, प्लम्बर की जरूरत हमें शिप पे होती है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम प्लम्बिंग जॉब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस प्लम्बिंग जॉब के लिए, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सैलरी क्या है, और अदर बेनिफिट्स हायरार्की की क्या क्या पोजीशंस होती हैं, इस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, क्या ओवर टाइम मिलता है कि नहीं, और आप एक्स्ट्रा जॉब करके एक्स्ट्रा इनकम कैसे पा सकते हैं, और ड्यूटी आवर्स कितने हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं सुनील यादव, आप देख रहे हो क्रूज वाली दुनिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस जॉब प्रोफाइल का काम क्या होता है ऑन बोर्ड, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। दोस्तों जो भी प्लम्बिंग फैसिलिटी होती है ऑन बोर्ड शिप पे, उसको रिपेयर करना, उसको फिक्स करना, इस जो पोजीशन है उसका काम है। अगर मैं ये कहूँ सिंपल शब्दों में कि कहीं से भी शिप पे लीकेज होता है, जैसे चाहे वो गैली से हो, किसी भी पेंट्री से हो, किसी भी गैस स्ट्रेट रूम से हो, क्रू केबिन से हो, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, फ्रेश वाटर, किसी भी टाइप का पाइप है, कहीं से भी कोई भी लीकेज होता है पानी का, तो उसको फिक्स करना, रिपेयर करना इमीडिएटली प्लम्बर का काम है दोस्तों। प्लम्बर पोजीशन दोस्तों इंजन डिपार्टमेंट में आती है। इसका जो बॉस है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो होटल मेंटेनेंस मैनेजर होता है। तो क्या होता है कि ये 24 आवर्स जॉब है। आप कहो कि डे में भी करना पड़ता है, नाइट में, नाइट में ज़्यादा लोग नहीं होते, एक आध आदमी होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर गेस्ट की कोई प्रॉब्लम आई, कोई कंप्लेन आई रात को, तो आपको हो सकता है कि रात को ही आपको फिक्स करनी पड़े। अब रात में क्या प्रॉब्लम आएगी, टॉयलेट ब्लॉक हो गया या फिर बाथरूम में लीकेज है या कुछ भी लीकेज है, ठीक है, तो वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है ऑन बोर्ड दोस्तों, क्या होता है टॉयलेट में ना वैक्यूम होता है, अपना नॉर्मल जो लैंड पे होता है कि पानी फ्लश कर दिया और ह्यूमन वेस्ट है वो चला गया, वैसा नहीं होता, वहाँ वैक्यूम होता है पानी को बचाने के लिए, तो वैक्यूम सिस्टम होता है। तो कभी कभी क्या होता है वैक्यूम स्लो हो जाता है, काम नहीं कर रहा है, तो सेम वही होता है, तो उसे आपको फिक्स करना पड़ेगा रात को। इसमें क्या होता है कि आपने सुबह सुबह ड्यूटी स्टार्ट की, आप गए ऑफिस, तो वहाँ क्या होता है कि डिस्पैचर पोजीशन होती है जहाँ पे सारी कंप्लेंट्स आती हैं। तो एक बंदा वहाँ बैठा होता है और वो कॉल अटेंड्स करेगा और टिकट बनाएगा, जो भी ये कंप्लेंट रजिस्टर करेगा और उसको प्रिंट आउट निकाल के रखेगा। उसे AVO कहते हैं ऑन बोर्ड, और ये उसका नाम अलग भी हो सकता है अलग अलग क्रूज लाइन में। तो वो क्या, आप जैसे ही आओगे और आपको थमा दिया जाएगा भैया कि ये 10 या 15 कंप्लेंट्स हैं, कंप्लेंट्स कभी कभी ज़्यादा भी होती हैं, वो 20 30 भी हो सकती हैं, कि ये पकड़ो। तो आपकी टीम भी वैसी रहेगी, 2 3 आदमी रहेंगे आपके पास, ठीक है, तो आप इसको पकड़ो और निकल लो, अपना टूल बॉक्स लो और चलो काम पे। तो काम पे जाओ, जहाँ जहाँ जो जो AVO आपको मिला है, जो भी टिकट मिली है, वो आप जाके वो जो कंप्लेंट्स हैं वो सारी की सारी रिजॉल्व करो, सारी की सारी फिक्स करो। ये तो हो गया काम दोस्तों के, क्या काम होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब हायरार्की बात करते हैं कि इसमें पोजीशंस क्या क्या होती हैं। तो इसमें दोस्तों असिस्टेंट प्लम्बर, प्लम्बर एंड देन चीफ प्लम्बर, तो ये 2 3 पोजीशन होती हैं। फिर इसके ऊपर तो फिर जो है वो इंजीनियरिंग पोजीशन आ जाती है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह अलग है। तो इसमें भी आप डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो, अगर आपको कोई अच्छा दूसरा डिपार्टमेंट लग रहा है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, वो भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, क्रॉस ट्रेनिंग करके आप कैसे डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आते हैं क्वालिफिकेशन पे, वो मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता चुका हूँ कि 10th या 12th पास हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो एज लिमिट है दोस्तों, वो एज मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए। कोई कोई क्रूज लाइन जो है वो 21 ईयर्स भी वो लोग बोलते हैं, तो 18 या फिर 21 साल के अगर हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी, मैक्सिमम लिमिट की लिमिट के जो है वो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं लोग, तो मैक्सिमम लिमिट ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है यारो कि आप जो है कि इतने साल के होने चाहिए, बट आप फिजिकल फिट हो, तो ये भी मतलब नहीं है कि आप 60 साल के हो और ऐसे ऐसे मुंडी हिल रही है तो आप जॉब के लिए अप्लाई करने चले जाओगे। तो डिपेंड करता है, आप 40 साल 50 साल के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, बट ये फाइनल डिसीजन जो है वो कंपनी का होगा, जो इंटरव्यूअर है उसका होगा, वो आपकी कंडीशन देखेगा, हेल्थ आपको सामने जब भी इंटरव्यू लेगा तो देखेगा ना कि ये बंदा फिट है कि नहीं, काम कर सकता है कि नहीं। तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो कहीं लिखी नहीं होती, बट आप 40 45 50 साल मान के चलो। 2 3 साल किसी होटल में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ प्लम्बर काम किया है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने किसी दूसरी कंपनी में क्रूज शिप पे काम किया है या फिर और कहीं किसी वेजल पे काम किया है, तो भी आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो।
ऑन टू द सैलरी, जी हाँ, सैलरी इस पोजीशन की जो है वो अप्रोक्सीमेटली $1,000 होती है। ये डिपेंड करता है टोटली कौन सी क्रूज लाइन आप ज्वाइन करने वाले हो, तो थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है। बात करते हैं ड्यूटी आवर्स की, तो दोस्तों ड्यूटी आवर्स जो है क्रूज इंडस्ट्री में वो लगभग 10 आवर्स होते हैं, 10 घंटे आपको काम करना होता है। ये ILO इंटरनेशनल लेबर लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नियम है, उसके लॉ है, तो उसके हिसाब से आपको 10 घंटा काम करना होता है। अगर कंपनी आपसे 10 घंटे से ज़्यादा काम करवाती है तो आपको मिलेगा ओवर टाइम, अगर आप 10 घंटे करते हो उससे कम करते हो तो आपको OT नहीं मिलेगा। बेनिफिट्स क्या क्या है दोस्तों सैलरी के अलावा, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों मैंने जो एक्स्ट्रा इनकम की जो मैं बात कर रहा था, जो जो साइड जॉब्स की बात कर रहा था, तो साइड जॉब्स के लिए मैंने एक अलग से बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सारी डिटेल्स हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, उसे आप देख सकते हो। इस वीडियो को हम यही करते हैं एंड। अगर आपका कोई सवाल है या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया, वैसे तो मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, रखिए ढेर सारा ख्याल, लव यू ऑल, जय हिंद।